अगर 6 भी ब्रैकेट क्लोज इक्वल्स टू माइनस 5 देन इसको कैसे सॉल्व करते हैं, फर्स्ट वन आपको सॉल्व करना है यहाँ पे ब्रैकेट देन आफ्टर दैट इसको इक्वेशन में फॉर्म करना है। लेट्स सी पी एंड ब्रैकेट सॉल्व करेंगे पी का दैट इज पी का मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 एंड 6 पी में देन आफ्टर 3 एंड पी का मल्टीप्लाई दैट इज 3 पी प्लस 6 सेम हो जाएगा पी पी यहाँ पे गिवन दैट इज पी स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस 5 एंड आफ्टर क्या करना है आपको इक्वेशन फॉर्म करना है देन 6 पी स्क्वायर आगे आ जाएगा 6 पी स्क्वायर एंड आफ्टर सेकंड वेरिएबल 3 पी एंड माइनस 5 कन्वर्ट हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड में देन माइनस कन्वर्ट प्लस देन प्लस 5 इक्वल्स टू 0 ये आपका इक्वेशन फॉर्म हो गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म हो गया। एंड आफ्टर आपको सेम वही फाइंड आउट करना है ए बी एंड सी देन ए की वैल्यू यहाँ पे पी वेरिएबल जो गिवन है पी वेरिएबल स्क्वायर्स इसके आगे का नंबर गिवन है आपको 6 दैट इज मीन ये ए की वैल्यू हो जाएगी एंड आफ्टर पी इसके आगे वैल्यू गिवन है आपको 3 एंड कांस्टेंट नंबर गिवन है आपको 5 अब ये भी क्वेश्चन समझा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे और क्वेश्चन गिवन है फिफ्थ क्वेश्चन एक्स स्क्वायर माइनस 9 इक्वल्स टू 13 ओके ये आपको क्वेश्चन गिवन है देन यहाँ पे अभी आपको देखना है कि क्या कर सकते हो ठीक है यहाँ पे भी कांस्टेंट नंबर गिवन है कांस्टेंट नंबर कन्वर्ट करना है आपको लेफ्ट हैंड साइड में देन प्लस का कन्वर्ट हो जाएगा माइनस में दैट इज मींस x स्क्वायर माइनस 9 माइनस 13 इक्वल्स टू 0 ओके देन x स्क्वायर माइनस माइनस हो जाएगा यहाँ पे प्लस एंड साइन होगा माइनस देन 13 प्लस 9 दैट इज मींस आंसर आ जाएगा आपका 22 इक्वल्स टू 0 ओके यहाँ पे भी आपको वेरिएबल मिल गया एक्स स्क्वायर एंड माइनस 22 दैट इज भी आपका कॉन्स्टेंट बट आपको इक्वेशन फॉर्म करना था ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0 में ओके बट यहाँ पे आपको बी एक्स गिवन नहीं है देन आपको फॉर्म करना होगा कैसे करते हैं फॉर्म देखते एक्स स्क्वायर ये आपका फर्स्ट टर्म हो गया सेकेंड आपको बी एक्स लाना है दैट इज यहाँ पे आपको अज्यूम करना होगा 0 एक्स हमने अभी यहाँ पे यहाँ पे 0 एक्स लिया दैट इज मीन 0 का मल्टीप्लाई एक्स में देन आंसर 0 दैट इज आपका ये इक्वेशन चेंज नहीं होगा क्लियर एंड माइनस 22 इक्वल्स टू 0 ये आपका फॉर्म हो गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एंड आफ्टर हम फाइंड आउट कर लेंगे ए बी एंड सी कैसे करेंगे देखते हैं ए इक्वल्स हो जाएगा आपका फर्स्ट वेरिएबल गिवन है उसके आगे कोई नंबर गिवन नहीं है देन आपको असम करना है 1 बी इसका वेरिएबल